दोस्तों, हिंदू पुराणों में भगवान गणेश को एक दंत भी कहा गया है। यह भी लिखा है कि भगवान परशुराम से हुए एक भीषण युद्ध में गणपति जी का एक दांत टूट गया था। पुराणों के मुताबिक वो युद्ध दंडकारण्य के घने जंगलों में हुआ था। वो युद्ध भूमि आज भी मौजूद है। सिर्फ मौजूद ही नहीं, उस जगह पर कुछ ऐसी निशानियाँ भी मिलती हैं जिन्हें उस युद्ध का गवाह बताया जाता है। ये कहानी है देश में सबसे रहस्यमय गणपति दरबार की, क्योंकि इस दरबार में भगवान गणेश की प्रतिमा का आकार रोज बढ़ रहा है। तो चलिए आज देखते हैं गणपति की वो अद्भुत दंत कथाएं। दरअसल ढोलकल गणेश छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में दंतेवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर फरसपाल गांव के पास बैलाडीला पहाड़ी में लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के पीछे कई सारी कहानियां हैं जो कि वहां के लोगों में प्रचलित है। विशेषज्ञों का मानना है कि भगवान गणेश की ये मूर्ति लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और तो और, इस मूर्ति को नागवंशी शासकों के शासनकाल में 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। ढोलकल की गणेश प्रतिमा को ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 3 फीट और चौड़ाई लगभग 3.5 फीट है। इस मूर्ति में गणेश जी ने अपने दाएं हाथ में फरसा और ऊपरी बाएं हाथ में अपना टूटा हुआ दांत पकड़े हुए हैं। निचली दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में मोदक भी पकड़े हुए हैं। यह ढोलकल गणेश मंदिर अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है, क्योंकि यहाँ मानव की रहने की जगह से दूर घने जंगल के बीच 3000 फीट की ऊंचाई में इस मूर्ति को स्थापित करने का कारण किसी को नहीं पता है, इसीलिए ये रहस्य बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब परशुराम शिव भगवान से मिलना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें इंतजार करने को कहा था, जिससे परशुराम बहुत क्रोधित हुए थे और इस तरह गणेश जी और परशुराम के बीच युद्ध हो गया था। इसी दौरान युद्ध करते करते वह धरती लोक पहुँच गए, जहाँ पर परशुराम जी के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर धरतीलोक में युद्ध हुआ वो स्थल बैलाडीला पर्वत श्रेणी है। यह मंदिर कुछ वर्ष पहले ही दूर दराज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इस मंदिर को साल 2012 में एक पत्रकार ने अपने फोटोग्राफ की मदद से इस आश्चर्यजनक मंदिर को लोगों से रूबरू कराया, जिसके बाद से यहाँ कई सारे लोग ढोलकल गणेश के दर्शन करने पहुंचते हैं और मंदिर के अलावा खूबसूरत वादियों का लुत्फ भी उठाते हैं। इस मंदिर को वर्ष 2017 में कुछ लोगों ने पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था। ऊंचाई से गिरने की वजह से यह 56 टुकड़ों में टूट गया था, जिसे बाद में स्थानीय और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर टुकड़ों को ढूंढने के बाद इकट्ठा किया और फिर से जमाया, लेकिन कुछ टुकड़े नहीं मिलने की वजह से इसे विशेषज्ञों ने दोबारा मरम्मत करने की ठानी। इस तरह की घटनाएं लोगों के दिलों को आहत करती है और आस्था को भी ठेस पहुंचाती है।